पिछले 20 साल से मुझे भी ब्रांड लग रहा है, आप लोग की तरह जैसे आपको लगता है। और साथ साथ मैं जो है वो जॉब भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी की है, ग्रेजुएशन किया है मैंने, SCCA किया है, और अब मैं पिछले 15 साल से एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ कनेक्टेड हूँ मैं सीधे एज अ टीम लीड, तो कराची में जो काम कर रहा है आप लोग सबके सामने है, पेशेंट की जो हेल्प करता है, पेशेंट को जो मेडिसिन वगैरह जिसको नीडी पेशेंट होते हैं उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिस किसी पेशेंट को जो भी नीड होती है मतलब अवेयरनेस भी दी जाती है, ठीक है ना। अब आप लोग भी मेरी तरह कनेक्टिंग में पेशेंट है, तो पहले तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, जैसे हमारे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, थैलेसीमिया से थैलेसीमिया रहेगा तो फिर आप अपने आप को क्यों समझते हो कि आप यार ऐसा नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। अपनी HP को 9 या 9.5 तक मेंटेन रखना है, इससे नीचे हमें नहीं जाने देना, क्योंकि बाद लोग देखो शिकायत करते हैं कि यार मेरे बच्चे की हाइट छोटी रह गई और चेहरा छोटा रह गया और ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसका मेन रीजन यही है कि बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा। अगर बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कैसे ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए ब्लड की HP आपको बिल्कुल मेंटेन रखनी है। और ब्लड मेंटेन रखने का सबसे एक बड़ा फायदा मैं आपको ये चीज बताऊं कि यार आयरन वाली चीजें जो हम लोग खाते हैं, क्योंकि बाद अगर कभी यार कोई चीज खाने में वो हो जाता है कि यार आलू वालू खा लिए, फ्रेंच फ्राइज तो मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे ना, तो इस तरह फ्रेंच फ्राइज वगैरह कभी कुछ खा लिया, आलू वालू खा लिया, अगर आपकी HP 9 मेंटेन होगी या 9.5 पे मेंटेन होगी तो आप फूड में जितना भी आयरन एब्जॉर्ब करो खाओगे ना तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, मतलब ब्लड से सिर्फ आयरन आएगा, खाने में अगर आप थोड़ा बहुत खा भी लेते हो तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि खाने की इजाजत मिल गई है लेकिन इट्स ओके। बेटा उधर भी बच्चे पर उनके पास अच्छा आयरन चैलेशन के बारे में बताऊं कि मैं आपको 1000 या 1500 अपना आयरन मेंटेन रखना है, सिंपल बात है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, इससे प्रॉपर फायदा आपका ये होगा कि आपके जो किडनी है लिवर है ये सब बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ग्रोथ आपकी प्रॉपर चलती रहेगी। अगर आप इस दोनों चीजों को मेंटेन रखते हैं ना तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हमारे पास थैलेसीमिया के अंदर लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और थैलेसीमिया की खास बात होती है कि थैलेसीमिया में अल्लाह ताला जैसे बताया ना कि चीज की कमी है थैलेसीमिया के अंदर, ठीक है ना, ब्लड नहीं बनता, तो अल्लाह ताला दूसरी जगह पे उस चीज बंदे को है ना वो बड़ी सहूलत, मतलब वो उसकी कमी जो है वहाँ पूरी कर देता है, मतलब जैसे उसका दिमाग बड़ा तेज होता है, शातिर लोग होते हैं हमारे, माशाल्लाह हर चीज में शातिर लोग होते हैं, तो हर फील्ड में जिस फील्ड में आपको पढ़ने का दिल हो आप पढ़ें, जहां आपको बाहर निकलना है आप मार्केट दुनिया में निकलें, आप देखें लोग किस तरह डील करते हैं किस तरह नहीं करते, कोई ऐसा मतलब प्रॉपर एक वो चीज नहीं, आप नॉर्मल तरीके से चलते रहें, अपना आयरन और अपना हड्डी HP को जो आप मेंटेन करेंगे ना तो आप बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल है। ये मेरी वाइफ है मेरे साथ, हम दोनों थैलेसीमिया मेजर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, आपके सामने तो शादी भी कर सकते हैं भाई, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, और मैं पिछले 15 साल से भाई जॉब भी कर रहा हूँ, एज अकाउंट मैनेजर जॉब करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब है, हज कर दिया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे भी किए और ट्रैवल भी किया है, कोई मसले की बात नहीं है। सब एक और चीज आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ये मुझे बताइए कि आप कहीं और जाके किसी भी सेंटर में जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन मत करवाइए, आप सिर्फ अपने सेंटर में ट्रांसफ्यूजन करवाइए, कोशिश करें कि आप वहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं, इसका फायदा ये होगा कि आप कहीं भी क्रॉस मैच का होगा ना आपका ब्लड तो कोई किस तरह क्रॉस मैच करेगा, कोई किस तरह क्रॉस मैच करेगा आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हम लोग भी जो ट्रेवल वगैरह करते हैं सेंटर में जाके सिर्फ ब्लड लगवा दें, यहाँ कराची से बाहर कहीं भी ब्लड नहीं लगाना, ठीक है, हमें अपने सेंटर में ब्लड लगाना है, और ये सेंटर वाले जो ब्लड लगा रहे हैं ये भी यार बहुत नोबल कॉज है, मतलब इतना ब्लड जमा करना और लगाना, तो प्लीज इनको लोगों को आप लोगों को सबको मैनेज करना ये सब पूरा बहुत बड़ी नोबल कॉज है, तो आप थैंक्स टू सर आप अपना काम कर रहे हैं हमारे थैलेसीमिया के लिए, और आप लोगों को बस ये करना है कि हिम्मत करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है, ब्लड लग रहा है, और साथ ही मैं जो है वो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया है, SCCA किया है, और पिछले 15 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि थैलेसीमिया में शादी शुदा कम नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा की मेरी वाइफ है और हम दोनों थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, हम लोगों ने ट्रैवल किया घुमा फिरा सब किया है, तो ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो लाइफ जो है ना वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है और अल्लाह ताला ने हमें थैलेसीमिया पैदा किया है, तो एक बंदा जो अगर एक बंदा एक हाथ से मजबूत भी होता है ना तो उसके जो है ना वो पावर उसकी अल्लाह ताला दूसरे हाथ में ज्यादा दे देता है, ताकत उसके हाथ में ज्यादा होती है,
इसी तरह अगर एक डेफिशिएंसी है ना हमारे अंदर, एक चीज की कमी है, तो अल्लाह ताला ने हमारी जहनीत के अंदर बड़ी ताकत दी है। इसी में मेजर के लोग शार्प होते हैं, बच्चे काफी शार्प होते हैं, बच्चे होते हैं। और आप लोगों को बस सिर्फ दो चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि जो है वो आप एक अच्छी सी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सके, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपनी एचपी है वो 9 या 9.5 पे मेंटेन रखनी है, ठीक है। अगर इससे कम आपकी एचपी होगी ना, तो क्या होगा कि लोग कहते हैं कि यार हमारा बच्चा ग्रो नहीं करता, उसके जो है मसल्स नहीं बढ़ रहे, वो बड़ा नहीं लगता, छोटा सा बच्चा ही लग रहा है, अभी तक 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया। इसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी में जब तक खून नहीं होगा तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। हड्डियों को खून की जरूरत होती है उसे ग्रोथ करने के लिए, तो उसे ग्रोथ करने के लिए आप ब्लड की मेंटेन रखें, आप 9.5 पे मेंटेन रखें, इससे नीचे अपने एचपी लेवल को लेकर नहीं आना। और इससे आपको फायदा ये होगा कि जो खाने पीने की चीजें जिसमें आयरन होता है बहुत सारी चीजों में ना, जैसे अब बहुत सी चीजें हम लोग खा लेते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज वगैरह होगा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो अब मैं भी खा लेता हूँ, आप लोग भी कभी भी खा लेते होंगे, तो क्या होगा इसके अंदर, क्या है। लेकिन अगर आपकी एच बी 9 या 9.5 होगी तो वो जो खाना आप खाएंगे ना, आयरन होगा उस खाने के अंदर, तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जमा नहीं होगा, वो खाना हमारी बॉडी से निकल जाएगा, बॉडी के अंदर जमा नहीं रहेगा अगर हमारी एच बी 9 या 9.5 होगी, ठीक है ना। अगर एच बी मेंटेन होगी और ब्लड के अंदर जो आयरन लग रहा है वो तो लग रहा है, ठीक है। अब आयरन चिलेशन की तरफ आते हैं हम लोग। आयरन चिलेशन करने के लिए आपको अपना हेमोग्लोबिन आयरन है उसको 1000 या 1500 पर मेंटेन रखना है, उससे आपको ऊपर नहीं जाना, वरना फिर स्प्रेन खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, ब्रेन खराब हो जाएगा, कुछ भी दिमाग खराब हो सकता है, सीधी सी बात। और सबसे पहले आपको फिर घबराना भी नहीं है जो इमरान खान साहब हमारे कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही ये चीज है कि आप अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एचपी 9 पे मेंटेन रखेंगे, आयरन अपना लेवल बिल्कुल मेंटेन रखेंगे, आयरन मेंटेन नहीं, और आयरन वाली चीजें कम खाएंगे, एचपी मेंटेन हो तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि ना, ठीक है ना। और जो है वो पढ़ाई वगैरह पूरी तरीके से करनी है, ऐसा नहीं है कि आप थैलेसीमिया को आपको पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ोगे तो आप जो है वो आगे की मार्केट की दुनिया में आप निकल सकोगे, कुछ कर सकोगे। हमारे पास ऐसे थैलेसीमिया भी है जो कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं भी पिछले 15 साल से जॉब कर रहा हूँ, नॉर्मल थैलेसीमिया कर रहा हूँ, थैलेसीमिया ठीक है, बीमारी है, लेकिन एक लाइफस्टाइल की तरह हम इसको जी सकते हैं ना, कि यार एक चलो 15 दिन में हमें आया, ब्लड लगाया, फिर हम बाकी चले गए नॉर्मल लाइफ पे, चले गए नॉर्मल लाइफ ना। आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करो, कहीं भी जाओ, आप ब्लड जो है ना अपने सेंटर में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप कराची से बाहर कहीं चले गए तो आप वहाँ जाकर ब्लड लगाएं, क्योंकि अगर आप कहीं और सेंटर में ब्लड लगाएंगे तो आपकी क्रॉस मैच के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो फिर आपको कोई एंटीबॉडीज का मसला हो सकता है। एक ही जगह पर आप ब्लड लगाएंगे तो इट्स बेटर मेरे हिसाब से। आप कहीं बाहर जाएंगे तो फिर वो है कि वहाँ का ब्लड आपको सूट नहीं किया, फिर यहाँ का ब्लड भी सूट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, आप अपने सेंटर में ब्लड लगाएं, कहीं भी आपको ट्रेवल वगैरह करना हो आप ऐसा सेटिंग बनाएं कि यार 15 दिन का मेरा ड्यूरेशन है, मैं घूम करके आ जाऊँगा, फिर वहाँ से जहाँ जाके ब्लड लगा लूँगा। सेंटर जो है वो आपको ब्लड वगैरह दे रहे हैं तो आप कोई भी पेशेंट्स को दे रहे हैं, टाइम टू टाइम आइडेंटिफिकेशन करें, अच्छी सी लाइफ गुजार रहे, ठीक है, हंसते रहें, खेलते रहें, इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। गली सिंह इतने सारे खड़े हैं हम लोगों के साथ, ये अच्छा वाली हमारे साथ है, ये भी थैलेसीमिया मेजर है, ये सबके लिए एक रोल मॉडल है। जिस तरह ये देखे लोग डरते हैं कि यार थैलेसीमिया ये हूँ मैं क्या करूँगा, ये सबको अवेयरनेस देती है कि यार थैलेसीमिया के बारे में आप जो है वो लोगों का आगाह करती है, ठीक है, लोगों को आगाह करती है। अच्छा, लोग जो नीडी पेशेंट होते हैं उनकी हेल्प भी करती है। आप हमारे साथ जो हमारी जो है वो एक एनजीओ है, ठीक है, फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया, इसका पंपलेट भी हम आपको दे रहे हैं। इसके अंदर आप पढ़िएगा कि किस तरह थैलेसीमिया जो है वो आयरन मेंटेन रखे और किस तरह आयरन चिलेशन वगैरह करें। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे अगर बाहर की दुनिया में कोई नया ट्रीटमेंट वगैरह आता है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, ये जो एक मैंने कॉन्सेप्ट देखा लोगों के अंदर कि यार वो अपने बच्चों की एचबी 6-6, 7-7 मेंटेन करते हैं और इनको एक किस्म की गोली खिलाते हैं, पता नहीं वो छोटी सी गोली है लाल कलर की, हाइड्रा नाम है उसका। तो यार ये गोली जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये थैलेसीमिया मेजर के लिए ना ये सूट नहीं करती, वो किसी एक बंदे को फायदा दे देगी तो 10 बंदों को नुकसान देगी। तो बेहतर है थैलेसीमिया का सिर्फ एक ही प्रॉपर इलाज है। आज हम जो है वो जनवरी 2022 में मौजूद है, ठीक है ना, आज तक थैलेसीमिया का कोई ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं हुआ जिससे आपको ब्लड ना लगे, क्योंकि उसमें भी 100% जो है वो आप गारंटी डॉक्टर नहीं ले सकता कि यार बच्चा सही हो जाएगा। आपको इसी लाइफस्टाइल के साथ ही इंजॉय करना है, ठीक है ना, अपनी लाइफ को ब्लड लगाना है, आयरन चिलेशन करनी है, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी है, ठीक है।
ख्वाब देखते, ख्वाब जो है ना उन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। एक लाइन है ना, तो बिल्कुल इसी तरह है कि आप ख्वाब देखते हैं। तो आप लोग, आपने पढ़ना है ठीक है, और बिल्कुल वो है कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप खेल कूद लो, कोई मसला नहीं है यार। हायर एजुकेशन आपकी प्रॉपर रहेगी ना, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। आपके जो है वो कैल्शियम वगैरह उसका प्रॉपर रखो, कैल्शियम आपका कम नहीं होना चाहिए। सारे टेस्ट जो है वो साल के अंदर